नमस्कार मित्रों, बाल भवन नेशनल टैंक वेंटो चैंपियनशिप के एक कार्यक्रम वैदिक डेंटल कॉलेज नरेंद्रमन में 18 जनवरी के रोज आयोजन किया गया था, जिसका अवार्ड सेरेमनी एवं प्रदेश अध्यक्ष दीपेश टंडेल और जिला अध्यक्ष अक्षय दवड़िया जी की शुभकामनाएं देने के लिए दोरेटा के ड्यूल्स रेसिडेंसी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम दरमियान अश्विनी दमड़िया जी ने बच्चों को हिंदुस्तान के CAA के एक्ट एवं अन्य जानकारी दी। एक साथ हो जाएंगे और हम लोग कुछ भी गतिविधि कर दिया, कश्मीर जो स्वर्ग था उसको नर्क से बुरा हाल कर दिया। आप लोग जानते जो नरसिम्हा हुआ था और जो कश्मीरी पंडित को वहाँ से हमारे को हिंदुस्तान को निकाल के वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट किया था, बोलते हैं पाकिस्तान का अब एक पुलवामा अटैक हुआ उसका जवाब दिया, हमारा फाइटर प्लेस स्ट्राइक किया हमारे बाउंड्री के बाहर, हमारे कश्मीर को ले लिया स्टूडेंट्स से, कुछ फिल्म स्टार्स को ले लिया, कुछ इंडस्ट्रीज के ऊपर मुस्लिम्स को ले लिया, कुछ इंडियंस को ले लिया, कुछ अलग अलग से, और एक इवेंट का एक मार्का बनाया। और कार्यक्रम दरमियान बच्चों को अवार्ड एनायत किए गए। इसके लिए हमने एक साथ उनको एक स्पोर्ट्स दमन की एसोसिएशन ने उनकी तरफ से हमने एक स्वागत समारोह रखा, तो हमें बहुत खुशी है कि अश्विनी दमनिया जी बीजेपी के जिला अध्यक्ष बने और दीपेश टंडेल जी को भी बहुत बधाई, वो दमन दीव दादानगर हवेली के प्रेसिडेंट बने बीजेपी। आज इस मौके पर जो हमने नेशनल टाइकंडो चैंपियनशिप भी रखी थी उसके बच्चे को मेडल सबके हाथ से मिला है, उनको ट्रॉफी दिलाई, और अश्विनी दमनिया जी जो है हमेशा स्पोर्ट्स के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हमेशा आगे रहते हैं। आज भी बिजी शेड्यूल के कारण तभी उन्होंने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आए और उन्होंने बच्चों को ट्रॉफी दी और मेडल दी, इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है, एनकरेज मिलता है उनके फ्यूचर में और अच्छा
कर सके और देश के लिए, दमन के लिए और भी मेडल जीते। तो मैं पूरे स्पोर्ट्स टीम की तरफ से इसके दमन एवी को बधाई देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं देता हूँ कि वो दमन जीती और भी अच्छी काम करेगी।